Hi, this is Khushbu with another question of probability. This is question number 30, page number 13.19 from Ari Sharma. It says, a jar contains 54 marbles, each of which is blue, green or white. Jar ke andar teen tarah ke marbles hain, green hai, blue hai, white hai. So, total marbles, humare paas hain 54, jisme ki green marbles hain, प्लस ब्लू मार्बल्स हैं प्लस व्हाइट मार्बल्स हैं इसमें प्लस से लिखते हैं टोटल इज 54. नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार. ब्लू मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9. ग्रीन मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है 4/9. हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन. अब जार के अंदर व्हाइट मार्बल्स कितने. तो जिनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है उन्हीं को निकालेंगे. सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग पहले में गिवन है ब्लू मार्बल. ब्लू मार्बल तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो हमारे पास टोटल आउटकम्स है यहाँ पर 54. पॉसिबल आउटकम्स ब्लू के केस में हमको पता नहीं है, नहीं ब्लू ही रहेगा. अब हमें ये बनता ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी हमारे को 1/3. तो दोनों इक्वल होगा बिकॉज ये भी ब्लू की प्रोबेबिलिटी है वो भी ब्लू की प्रोबेबिलिटी है. उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × blue = 54 = 54/3. ब्लू मार्बल्स हमारे पास आ गए 18. Now same way, how many are there green marbles? So probability getting green marble. So total हमारे पास है 54 और green की probability हमारे पास नहीं है. तुमने इसको G लिखी है. So according to G के लिए जो green marbles है उसकी probability है 4/9. तो दोनों values equal होंगी. Because ये भी green की probability है, वो भी green की probability है. So, G into 9 is equal to 4 into 54. Cross multiply कर दिया हमने. So, G is equal to 4 into 54 by 9. 9/6 है. 24. So, green marbles हमारे पास आ गए 24. Now, हमने कहा था green plus blue plus white 54 है. So, green plus blue ये हमारे पास 54. सो ग्रीन हमारे पास 24 है, ब्लू हमारे पास 18 है, व्हाइट हमें फाइंड आउट करना है. सो 24 प्लस 18 इज 42 प्लस व्हाइट इक्वल 54. सो व्हाइट इज इक्वल टू 54 माइनस 42 मीन्स 12. सो व्हाइट मार्बल्स हमारे पास आ गई 12. We have 12 white marbles. So this was example number 30, page number 13.19 from Adi Sharma, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.